फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लास। और टुडेज लेसन इज लेसन 6, द एनोमस टर्निप ऑफ यूनिट 3। द एनोमस टर्निप, एनोमस मीन्स क्या होता है? एनोमस मीन्स बहुत बड़ा, विशाल। और टर्निप मीन्स शलगम, जो यहाँ पिक्चर में हमें दिख रहा है शलगम। शलगम कैसे ग्रो होता है? वो लैंड में अंदर ग्रो होता है और बाहर उसके लीव्स दिखते हैं। फिर जब ग्रो हो जाता है तो उसको खींच के, उसके लीव्स खींच के हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें एक ओल्ड मैन दिया हुआ है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, ओल्ड मैन है, ये ओल्ड वुमन है और ये टर्निप है। ओल्ड वुमन ने एक दिन क्या किया था, टर्निप सीड्स ग्रो किए थे लैंड में और फिर एक टर्निप ग्रो होता है बहुत एनोमस, मीन्स बहुत बड़ा, विशाल। फिर एक दिन वो टर्निप को निकालने के लिए उसको खींचता है, उसके लिए उसको उससे नहीं निकल रहा है क्योंकि वो बहुत एनोमस है, विशाल। तो उसकी हेल्प करने के लिए एक दिन फिर वो ओल्ड वुमन आती है। दोनों साथ में मिलकर वो टर्निप को खींचते हैं पर वो नहीं निकल पाता है। देन सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉय है, वो आता है ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन की हेल्प करने के लिए। फिर ये ओल्ड वुमन, ओल्ड मैन एंड ये बॉय तीनों मिलकर फिर वो टर्निप को खींचते हैं, फिर भी ये टर्निप नहीं निकल रहा है। एकदम वो बड़ा विशाल एनोमस टर्निप है। फिर एक गर्ल आती है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर वो ओल्ड मैन, वुमन, गर्ल और बॉय मिलकर साथ में टर्निप को खींचते हैं लैंड में से। फिर टर्निप निकलता है एनोमस और फिर वो साथ में शलगम, जो टर्निप है उसको खाते हैं। सो लेट्स सी द स्टोरी, द एनोमस टर्निप। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, क्या हुआ? एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। जो ओल्ड मैन है उसने लैंड में टर्निप सीड्स प्लांट किए। द टर्निप सीड्स ग्रू, जो टर्निप सीड्स थे लैंड में ग्रू होने लगे। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, टर्निप सीड्स क्या है, ग्रो होते गए होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनोमस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन क्या कह रहा था कि मुझे ये एनोमस जो टर्निप है उसको खींच के निकालना है बाहर। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, ओल्ड मैन ने क्या किया, पुल मतलब खींचना। तो ओल्ड मैन ने ये जो एनोमस टर्निप था उसको खींचा, बहुत खींचा, पुल्ड एंड पुल्ड। बट ही कुड नॉट पुल अप द एनोमस टर्निप, पर टर्निप इतना विशाल था, एनोमस था, तो ओल्ड मैन उसको खींच नहीं पाया। ही कुड नॉट पुल अप द एनोमस टर्निप। एंड ओल्ड वुमन केम, तब वहां एक ओल्ड वुमन आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनोमस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। फिर ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मुझे ये एनोमस टर्निप है उसको खींच के निकालना है लैंड में से बाहर। आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन ने क्या कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। फिर क्या हुआ, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन ने साथ में मिलकर ये एनोमस जो टर्निप था उसको खींचा, बहुत खींचा, पुल्ड एंड पुल्ड, उसके जो लीव्स होते उसको पकड़कर खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनोमस टर्निप, पर वो दोनों मिलकर जो एनोमस टर्निप थे उसको खींच नहीं पाए, बाहर नहीं निकाल पाए, उसको बाहर निकालना था खींचकर। अ बॉय केम, फिर क्या हुआ, अ बॉय केम, बॉय आया। फिर यहाँ पे हमें पिक्चर में बॉय दिख रहा है, अ बॉय केम, फिर एक बॉय आता है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनोमस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन। फिर ओल्ड वुमन ने क्या बोला बॉय को कि हम दोनों को ये एनोमस टर्निप है उसको खींचकर बाहर निकालना है। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। बॉय ने क्या बोला, मैं आपकी मदद करूं, कर सकता हूं, ऐसे बोला। फिर नेक्स्ट उसमें क्या होता है स्टोरी में, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। फिर क्या होता है, ये ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन
पॉइंट साथ में मिलकर जो एनोमस टर्निप है उसको खींचते हैं और खींचते हैं उसको उसके लिए उसको पकड़ कर, पर वो टर्निप बाहर नहीं निकल रहा है। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनोमस टर्निप, पर ये एनोमस टर्निप है ये तीनों मिलकर उसको नहीं निकाल पा रहे। देन अ गर्ल केम, फिर क्या होता है ये पिक्चर में दिख रही है हमें गर्ल, ये गर्ल फिर आती है, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनोमस टर्निप सेड द बॉय, फिर बॉय ने बोला कि हमें ये एनोमस टर्निप है उसको बाहर निकालना है, आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, फिर ये गर्ल क्या बोलती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देन द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, फिर क्या होता है ओल्ड मैन ओल्ड वुमन बॉय और वो गर्ल चारों मिलकर फिर वो एनोमस टर्निप है उसको खींचते हैं। अप केम द एनोमस टर्निप, ये चारों मिलकर ये टर्निप है एनोमस उसको खींचते हैं तो फिर ये टर्निप बाहर आ जाता है लैंड में से। देन वी विल हेल्प यू टू ईट द एनोमस टर्निप सेड द बॉय वुमन एंड द गर्ल, फिर क्या होता है ये जो बॉय हेल्प करने के लिए आया था, गर्ल थी ओल्ड वुमन थी, वो जो ओल्ड मैन है उसको क्या कहते हैं कि हम ये एनोमस टर्निप है उसको खाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड दे डिड, और फिर वो चारों साथ में मिलकर एनोमस जो टर्निप है उसको खाते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर द स्टोरी, हियर आर सम न्यू वर्ड्स, फर्स्ट इसमें दिया है हमारी बुक में एनोमस, एनोमस मीन्स बहुत बड़ा विशाल और वेरी लार्ज इन साइज, टर्निप जो शलगम है उसका रूट हम खाते हैं, रूट अंदर होता है उसके लीव्स बाहर होते हैं उसको खींच के हम लीव्स टर्निप खाते हैं। देन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन मतलब वो जो बुढ़ा इंसान था वो मैन था, वो ओल्ड वुमन वो बुढ़ी औरत थी, यहाँ पे ओल्ड वुमन वो पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचना। देन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नोटबुक में, नोटबुक एक्सरसाइज जब हम करेंगे तभी। फिर देन है यहाँ टॉक टाइम, नेम एंड ड्रू ड्रॉ फोर वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम देम इन योर ऑन लैंग्वेज। इसमें क्या दिया है वेजिटेबल्स, फोर वेजिटेबल्स आपको ड्रॉ करना है जिनको पुल्ड आउट मतलब जमीन में से खींच के निकालते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं और उसको ड्रॉ भी करना है। तो आप क्या ड्रॉ कर सकते हो लैंड में से हम कौन सा वेजिटेबल निकाल सकते हैं, तो एक तो हमने टर्निप देखा, फिर कैरेट होता है, रेडिश, पोटेटो, वो सब हम निकालते हैं लैंड में से खींचकर, वो उसके रूट होते हैं अंदर जमीन में, तो आप वो ड्रॉ करके फिर उसके नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ दिया है लेट्स गो शॉपिंग, हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू। आपको एक यहाँ जो वेजिटेबल्स के नेम दिए है कैरेट पीस बीन्स टर्निप टमेटो एंड पोटेटो, तो उसके जो ये स्क्वायर आपको यहाँ बड़ा सा दिया है उसमें सारे नेम है ये बॉक्स में, पोटेटो आपको एक बना के दिया है कि पोटेटो में सर्कल किया है, दूसरे आपको फाइंड आउट करने हैं आपकी बुक में। यहाँ पे देखो टर्निप दिया है टी यू आर एन आई पी टर्निप, पीस भी यहाँ दिए बी ई ए एन एस पीस, यहाँ पे आपको सर्कल करने हैं, पीस पीस भी दिए पी ई एस, दूसरे आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, टोमेटो भी यहाँ दिया है टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो। तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर बुक। देन यहाँ पे दिया है अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स, ऑपोजिट्स की आपको एक गेम दी है, द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स वेयर वन ग्रुप सेज वन वर्ड एंड द सेकेंड ग्रुप सेज द ऑपोजिट वर्ड। क्लास में हम एक्टिविटी करते हैं वो यहाँ दी है, ग्रुप वन और ग्रुप टू बनाना है। ग्रुप वन यहाँ पे एक वर्ड बोलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है पुल, तो ग्रुप टू क्या बोलेगा उसको ऑपोजिट पुश, पुल पुश। देन ब्लैक, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। देन राइट, तो राइट राइट का राइट के दो ऑपोजिट हो सकते हैं, यहाँ राइट दिया है तो लेफ्ट भी हो सकता है और
रॉन्ग भी हो सकता है, पर यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया है तो हम यहाँ राइट और लेफ्ट लिखेंगे. देन दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन. सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर, यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. लेसन में से हम कुछ मोर दूसरे वर्ड्स भी ले सकते हैं और फिर उसका ऑपोजिट हम करेंगे. जैसे कि फार, फर्स्ट वर्ड दिया है फार, तो फार नियर उसका ऑपोजिट होगा. गुड, उसका ऑपोजिट क्या होगा? बैड. डार्क, तो लाइट. अप, डाउन. ओल्ड, तो न्यू, उसके ऑपोजिट हो गए. ओल्ड मीन्स यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हैं, और हमारे लेसन में था ओल्ड मैन था, तो ओल्ड का हम क्या करेंगे, यंग भी कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी ऑपोजिट हम लिख सकते हैं. देन ये एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी आपको रीड करके फिर खुद अपने घर पे ही एक्टिविटी करनी है. देन लेट्स राइट, हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड. सी व्हाई, आपको यहाँ पे वेजिटेबल्स के जो नाम दिए हुए हैं वो आप रॉ खाना पसंद करोगे या कुक्ड. रॉ मतलब कच्चा जो हम खाते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं कैरेट को. कुक्ड, कुक्ड मीन्स हम पका कर खाते हैं, सब्जी बना के और किसी भी वे में उसको खाते हो. तो से वाई, फिर आपको वो भी लिखना है कि क्यों आपको वो पसंद है. रॉ पसंद है तो क्यों, कुक्ड आपको पसंद है तो क्यों. तो कैरेट, कैरेट दिया है आपको, रॉ खाना अच्छा लगता है या कुक्ड, तो आपको वो लिखना है. यहाँ पे टर्निप, टर्निप हम रॉ खा सकते, वो रॉ खाएंगे या कुक्ड खाएंगे, शलगम है. पोटेटो, पोटेटो को रॉ खा सकते हैं या कुक्ड, रॉ नहीं खा सकते पोटेटो, हम कुक करके खाते हैं. फिर अनियन, अनियन को रॉ भी खा सकते हैं और कुक्ड भी खा सकते हैं. कैरेट को भी रॉ खा सकते हैं कुक्ड, और टर्निप को भी कुक्ड खाएंगे पकाकर कुक करके. और देन है बीन्स, तो बीन्स हम रॉ भी खा सकते हैं और कुक्ड उसको पकाकर भी खा सकते हैं. देन नेम फोर वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट एंड नेम हियर. आपने जो लास्ट वीक जो वेजिटेबल्स खाई थी, यू एट यहाँ लिखा है, फोर वेजिटेबल्स के नेम लिखने आपको याद हो तो कि आपने लास्ट वीक कौन सी वेजिटेबल्स खाई थी. फोर वेजिटेबल्स के नाम लिखते हैं यहाँ पे, फोर डैश दिए हैं, तो आपको वो एक्टिविटी भी करके अपनी बुक में लिखना है. पेज नंबर 31 पे दिया हुआ है. देन है कंप्लीट दिस कॉलम्स, ये कॉलम्स आपको दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं. वन मैनी, वन मीन्स सिंगल जो एक ही होता है वो, और मैनी मीन्स आपको प्लूरल बनाना है, ज्यादा लिखना है. जैसे कि कैरेट, वन तो कैरेट लिखेंगे हम, और मैनी लिखना है तो कैरेट्स लिखेंगे, हमने प्लूरल बनाया कैरेट्स. देन टर्निप, तो मैनी बनाने के लिए क्या लिखेंगे, टर्निप. अनियन, अनियन को मैनी बनाएंगे, अनियंस, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. पोटेटो, तो पोटेटोज, इसका मैनी प्लूरल बनाया हमने. देन टोमेटो एंड टोमेटोज. सो देन यहाँ पे वोकैबुलरी दिया है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है. वन वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, सर्कल द ऑड वन आउट. यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसमें एक डिफरेंट, एक ऑड वर्ड दिया है, वो आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वन आपको दिया है टर्निप, पोटेटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरट एंड ब्रिंजल. क्ल्यू यहाँ दिया है कि वेजिटेबल्स, मतलब यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम है सारे, और इसमें एक ऑड नेम है, वो ऑड नेम कौन सा है वो देखना है हमें. सो फर्स्ट टर्निप वेजिटेबल है, पोटेटो वेजिटेबल, टोमेटो वो भी वेजिटेबल है, देन सनफ्लावर, सनफ्लावर एक फ्लावर है तो वो एक ऑड नेम निकला, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल कर देना है. देन नंबर टू, काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कैंगरू एंड मेलन. यहाँ पे क्ल्यू दिया है एनिमल्स, मतलब यहाँ पे सारे एनिमल्स के नेम है और यहाँ एक ऑड नेम दिया है, वो हमें फाइंड आउट करना है. काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स एंड कैंगरू एनिमल्स के नेम है, और मेलन बीच में एक फ्रूट का नाम ऑड है, तो हमें उस पे सर्कल करना है. देन नंबर थ्री, बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल. तो यहाँ पे क्ल्यू क्या दिया है, ट्रीज, ट्रीज के नेम है, और यहाँ पे एक ऑड नेम आया है, बनियन, नीम, पीपल, वो ट्रीज के नेम है, यहाँ मैंगो वो भी ट्रीज का एक नाम है,
स्नेक एक ऑड नेम आ गया है एनिमल का, तो हम इस पे सर्कल करेंगे. देन नंबर फोर, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर. ये क्या है? फ्लावर्स. यहाँ पे फ्लावर्स के नेम है और यहाँ पे एक ऑड नेम दिया हुआ है जो हमें फाइंड आउट करना है. रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, वो सारे फ्लावर्स के नेम है. कॉलीफ्लावर जो है एक वेजिटेबल आ गया है, वेजिटेबल का नेम बीच में है, तो उस पर एक सर्कल करेंगे. देन नंबर फाइव, पीकॉक, पैरट, लिजर्ड, क्रॉ, वुडपेकर. पीयू क्या है? बर्ड्स. मतलब यहाँ बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं. एक और नेम क्या है तो वो फाइंड आउट करते हैं. पीकॉक, पैरट, लिजर्ड बीच में एक और नेम आ गया है. पीकॉक है, पैरट, क्रो एंड वुडपेकर वो बर्ड्स के नेम है. So you have to find out these odd names and you have to circle these odd names. Then है say aloud. ये आपको घर पे करना है अपनी बुक में से. Full, full, put, cool, root, shoot, cut, butt and shut. So friends, we have completed this lesson.